क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। वसई विरार मनपा अंतर्गत पेल्हार प्रभाग में आने वाले संतोष भवन के वलई पाड़ा में दुर्व्यवस्थाएं नजर आईं, जहां एक स्कूल के सामने कचरों का अंबार नजर आया। वहीं ठीक सड़कों पर बरसात के पानी के साथ गटर के पानी में मासूम बचपन खेलता नजर आया। क्या यहां पर मनपा के आरोग्य विभाग को जनता से कोई लेना देना नहीं है? उनके स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ कर वसई विरार महानगर पालिका अपने हर आयोजन में हमेशा ग्रीन वसई क्लीन वसई के नारे देती है, परंतु उनके ये नारे कितने कारगर हैं, यह तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हम जहां उपस्थित हैं वो क्षेत्र नाला सुपारा पूर्व संतोष भवन वलई पाड़ा का मास्टर कंपाउंड है, जहाँ आस पास के क्षेत्र के बच्चे विद्या निकेतन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में पढ़ते हैं। और इस ज्ञान के मंदिर के सामने कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसमें यहां काफी दुर्गंध आ रही है। साथ ही साथ यहां ठीक सड़क तक नहीं है, बच्चे इस कीचड़ वाले मार्ग से होते हुए स्कूल आते जाते हैं। अब ऐसी गंदगी के चलते यहाँ छात्रों का बीमार रहना कोई बड़ी बात नहीं है। वही इस बारे में हमें क्षेत्र के युवा समाज सेवक निशांत तिवारी ने जानकारी दी। निशांत तिवारी, क्या समस्या आपकी? समस्या यही देखिए, यहाँ पे इतने सालों से क्या यहाँ पे कचरा का ढेर लगा है। यहाँ पे सामने स्कूल है और यहाँ पे लोग रहने वाले लोग तमाम लोग हैं, सबको तकलीफ हो रहा है। स्कूल के बच्चे लोग खेल रहे, बीमारी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। और बारिश की वजह से सब कचरे का पानी लग के पूरा यहाँ पे लग रहा है, उससे पूरा इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत सारी तकलीफें हो रही है पब्लिक को यहाँ पे। इस संबंध में आपने वसई विरार महानगरपालिका प्रभाग समिति आपको कोई पत्र दिया है क्या? हाँ, हमने उनको पत्र दिया है, उनको लिखित दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगा इस पे। लेटर कब दिया था? पहले भी उनको कई बार लेटर दे चुका है, आज फिर हमने उनको वापस रिपीट लेटर दिया। उनको लेटर दिया उस पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? पहले के कुछ थोड़ा मोड़ा हुआ था नॉर्मल, बट मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह से कचरा यहाँ से खत्म हो ताकि दोबारा यहाँ पे कचरा कोई ना फेंके। थोड़ा बड़ा कचरा अगर बाकी रह जा रहा है तो लोग उसको फेंक रहे वापस से। कचरा जमने का कारण क्या हो रहा है? गाड़ियाँ नहीं आ रही, गाड़ी का टाइम टेबल नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं है, इसके लोग मजबूर हो गए कचरा फेंक रहे हैं यहाँ पे। अगर गाड़ी टाइम टाइम यहाँ पे आएगी तो लोग कचरा फेंकेंगे गाड़ी में। यहाँ के नागरिक है, उनको आपने इस बारे में कुछ आह्वान किया है कचरा का? आह्वान किया वो बोलते भैया हमारे पास कोई व्यवस्था, हाँ हमने बहुत कुछ बोला उनको, वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कचरे की गाड़ी नहीं आ रही, डब्बा नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं है, क्या कर सकते हैं, हमको करना पड़ रहा है। इस कचरे के अलावा और क्या क्या समस्या? समस्या यहाँ पे इतना साल हो गया, पुराना एरिया हो गया, आज तक पानी का सुविधा यहाँ पे नहीं है, लाइट का सुविधा नहीं है, बीएमसी का पानी नहीं है, लाइट का सुविधा नहीं है, जो कि यहाँ पे केबल सब पड़े हैं, जो सब प्राइवेटाइजेशन में चल रहे हैं। सब मीटर का जो बिल आता है वो बिल भरना पड़ता है, उसके अलावा भी हमको 200 रुपया देना पड़ता है, प्राइवेटाइजेशन है। वो बोलते हैं कि यहाँ पे महावितरण ने पोल नहीं डाला है, हमने प्राइवेट वायर ला के डाला है, हमको उसके लिए अगेंस्ट हमको पैसा देना पड़ेगा। महावितरण नहीं बोलते, यहाँ के जो लोग हैं जो चलाते हैं गलत तरीके से, अवैध तरीके से चला रहे हैं जो बिजली, जो अवैध वाले, हाँ चोरी की बिजली, हाँ मीटर हमारे पास है लेकिन फिर भी हमको वायर जो लाए हैं बोलते हैं कि हमारा आपका महावितरण ने यहाँ पे पोल नहीं दिया है, हम बहुत दूर से वायर लेके आए हैं इसलिए हमको डालना पड़ता है, जो यहाँ जो चलाते हैं। लेकिन अब हम क्या करें, महावितरण हमको उस लायक कुछ दिया नहीं है, हम क्यों उनसे दुश्मनी ले, हम अंधेरे में कैसे रहेंगे? जब महावितरण हमको ला के पोल देगा तो हमको देंगे नहीं, हमको याद ही नहीं करेंगे, इसलिए हम की गलती भी नहीं मानते हैं। हमको महावितरण से हमको अगर पोल देंगे, महावितरण हमको ला के देगा तो हमको उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, हम खुद बोलेंगे कि भाई हमारा महावितरण का पोल है तो हम क्यों आपको पैसा दे, लेकिन महावितरण ने पोल दिया ही नहीं, हमारी मजबूरी की हमको उनसे लेना पड़ रहा है। जैसे रोड पे टोल टैक्स लगता है वैसे यहाँ पे जो बिल आएगा वो बिल भरना है, उसके अगेंस्ट 200 रुपये हमको देना है। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पे जो कमिश्नर उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप आइए यहाँ के, देखिए यहाँ पे क्या है, जो भी समस्या है यहाँ के लोगों का वो सॉल्व हो। पानी का लेटर डाल डाल के हम लोग 5 साल 6 साल 7 साल हो गया डीडी भर के जमा करके, रिटर्न आ गया वो आ गया, लेकिन आज तक बीएमसी का पानी नहीं आया, पोल नहीं आया, कचरा आप देख ही रहे हैं स्कूल के सामने। बताओ कैसे बच्चे लोग यहाँ पढ़ते हैं, कैसे यहाँ पे लंच बॉक्स खाते होंगे, कैसे खेलते होंगे, कितनी बीमारी हो रही है यहाँ पे, लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तमाम सब प्रॉब्लम है, एकदम जीरो है। चाहे नगर पालिका का चुनाव हुआ 2015 से 20 तक 5 साल में कुछ विकास हुआ नहीं है, और जो ये 4 साल निकल गया है इसमें भी कुछ विकास जैसा है नहीं। आप इधर का वीडियो डाल के दिखा दो, ऐसा पूरा गटर का पानी जमा हुआ है, मच्छर विच्छर सब इधर लग ही रहे हैं, इधर कचरा जमा है, पीने को पानी नहीं है, सब जनता त्रस्त है, बरसात में पानी भर जाता है जगह जगह पे, तो सब मस्त है, अभी चल रहा है, चुनाव है नहीं, कुछ नहीं आने रहा है, चुनाव आएगा तो आएंगे। लोकसभा चुनाव था उसमें नेतागण आए थे यहाँ पे, अभी प्रचार में तो आते ही है ना,
प्रचार में तो आते हैं, पार्टी का झंडा बोले पकड़ो हमारे। तो आपने अपनी समस्या से उनको अवगत करा दिया, आपकी समस्या तो बोलेंगे बस चुनाव के बाद हो जाएगा, चुनाव के बाद तो कोई दिखता ही नहीं है। अच्छा, अब फिर चुनाव आ रहा है तो क्या आप उन्हीं लोगों को जिताना पसंद करेंगे जो अब तक राज कर रहे थे, जिनके राज में कचरा तैयार? जिन्होंने विकास नहीं किया उन्हें कैसे जिता सकते हैं? जो विकास करता उसके बारे में सोचते हैं कि चलो कुछ तो किया है। तो हमको तो आज तक जब से हम जानते हैं इधर के एरिया के बारे में जान रोज रह रहे हैं, लगभग हमको इधर 18 साल हो गए, 18 साल में तो हमने सब कुछ देखा नहीं कि कुछ ऐसा हुआ है हमारे लिए, हमने तो कभी देखा नहीं। विकास हुआ भी है, जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके लोग हैं उनका विकास हुआ है, और जो हम लोग कुछ पर्सनल छोटा मोटा यहाँ पे जो हाइट करते हैं सब करते हैं उनके लोग आते हैं, हमारा समस्या सॉल्व करने नहीं आते हैं, हम हाइट करते हैं उसके लिए 2013 के रहते हैं। वही आपको बता दें कि संतोष भवन वलाईपाड़ा का ये क्षेत्र वसई विरार महानगर पालिका के पेल्हार प्रभाग अंतर्गत आता है, और यहाँ मात्र यही एक समस्या नहीं है। आप इस सड़क पर नजर डालिए, 2 दिन पहले हुई बरसात का पानी अभी तक इस सड़क से निकल नहीं पाया है, और यह मात्र बरसात का पानी ही नहीं बल्कि इसमें खुले गटर का पानी भी मिला हुआ है। वहीं यह मासूम बचपन बड़े मजे से इस गंदे पानी में घूम रहा है, और इस गंदे पानी के चलते यहाँ डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ भी पनप रही हैं। इस सब माहौल को देखकर सवाल उठता है कि मनपा का आरोग्य विभाग यहाँ क्या कर रहा है? उसे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना अच्छा लग रहा है? वहीं यहाँ भी बहुजन विकास आघाड़ी इन्हीं सब परिस्थितियों को भी विकास का नाम दे रही है। नाला सोपारा से यशवंत भारद्वाज की एक